चल मैं फिर से सेंड करती हूँ। एक्चुअली मेरे फोन में ना कई सारी पूजा सिंह है तो कन्फ्यूजन हो गया होगा। चल मैं तेरे नाम के आगे कुछ यूनिक सा ऐड कर देती हूँ जिससे कि नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान रहे। हाँ कॉलेज का नाम ऐड कर दूँगी। चल चल ओके बाय। व्यूअर्स आप भी सोचोगे कि मैं कैसी एक्टिंग पे पहुंच गई। देखिए एक प्रॉब्लम तो सब आप सबके साथ होती होगी कि हमारे फोन में दो नाम तो बहुत ज्यादा होते हैं। भाई मेरे फोन में तो है पूजा और नेहा, ये हमारे इंडिया में ऐसे यूनिवर्सल नेम्स हैं और हमारे एज ग्रुप के लोगों में तो बहुत ज्यादा मिल जाते हैं पूजा और नेहा। और कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है भाई कौन सी वाली पूजा को सेंड करना है, अरे हमारे पड़ोस में ही दो तीन पूजा है। बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम तो घर में भी बात करते हैं तब भी कन्फ्यूजन है कि कौन सी पूजा। तो यही बात आज मैं अपने वीडियो में भी लेके आई हूँ कि जब अब हम लोग एज अ ह्यूमन जिसके पास ब्रेन है वो आइडेंटिफाई करने में जो मुश्किल आ जाते हैं, तो भाई कंप्यूटर्स जिनको डेटा को ट्रांसमिट करना है, मैसेज को ट्रांसमिट करना है, वो भी काफी दूर ट्रांसमिट करना है, तो वो कैसे एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज को कि भाई जो मैसेज है वो राइट रेसिपिएंट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, राइट प्रोसेस में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो उसके लिए देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एड्रेसेस, ठीक है, हर चीज का कोई यूनिक नंबर होता है वो अटैच होता है। तो मैं चलिए आज की वीडियो में बढ़ती हूँ, तब आपको ढंग से एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं। ऑल पूजा एंड नेहा, सॉरी इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक क्लिप सॉर्ट ऑफ दिखाई तो उसमें मैं एक अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, उसको मुझे एक मैसेज ट्रांसफर करना था थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है, एक प्रोसेस यूज करना था व्हाट्सएप का, उसके थ्रू मुझे उसको मैसेज ट्रांसफर करना था, बट ड्यू टू सम कंफ्यूजन आई सेंड टू सम अदर गर्ल। तो ये कंफ्यूजन और ये चीज तो कभी भी हो सकती है, तो इसीलिए नेटवर्किंग में जो है एड्रेसेस होते हैं एंड एड्रेसेस के अकॉर्डिंग या एड्रेसेस के हिसाब से जो मैसेजेस वगैरह हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नाउ सी देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एड्रेसेस जो नेटवर्किंग में एड्रेसिंग होती है, डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो फोर टाइप्स के एड्रेसेस का यूज होता है। लाइक इन माई प्रीवियस वीडियोज आई हैव टोल्ड यू कि जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो अलग अलग फेजेस के थ्रू जाता है, अलग अलग लेयर्स के थ्रू जाता है। तो जैसे डेटा अलग अलग लेयर्स पे कम्युनिकेट करता है या मूव करता है या जाता है, तो हर लेयर पे एक डिफरेंट टाइप का एड्रेस का यूज होता है टू कनेक्ट टू एंड्स, दो एंड्स को सेंडर या रिसीवर को या होस्ट को और क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं, द फर्स्ट एड्रेस इज फिजिकल एड्रेस। चलिए पढ़ते हैं अपने फर्स्ट एड्रेस की तरफ, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं और जैसे कि इसका नाम है फिजिकल एड्रेस, ये एड्रेस जो है ये फिजिकली होता है। इट इज अ फिक्स्ड एड्रेस फॉर एवरी मशीन, कोई भी डिवाइस, आपका मोबाइल फोन के पास भी अपना एक मैक एड्रेस होगा, जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क है या फिर कोई भी डिवाइस अगर किसी नेटवर्क में यूज हो रही है तो उसका अपना एक एड्रेस होगा जिसको हम कहेंगे मैक एड्रेस। और ये मैक एड्रेस कहां से मिलता है उसको, जिस भी डिवाइस को हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाना होता है या नेटवर्क करना होता है तो उसके डिवाइस के अंदर उसके मदरबोर्ड में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, वो कार्ड जो होता है उस कार्ड में एक 48 बिट का एड्रेस या 48 बिट का नंबर मैन्युफैक्चरर उस पर प्रिंट करके ही देता है। तो वही 48 बिट का जो नंबर है जिसको हम 6 बाइट का भी कह सकते हैं, वो 6 बाइट का नंबर ही इस मशीन का या मोबाइल फोन का या टैबलेट का या वॉट एवर इज योर डिवाइस, ठीक है, उस डिवाइस का वो मैक एड्रेस बन जाता है। तो ये मैक एड्रेस फिक्स्ड होता है मशीन्स का, एनआईसी जो भी उस मशीन में लगी है उसका ये फिक्स्ड रहेगा, जब तक वो एनआईसी उस डिवाइस में है तब तक उसका नंबर या उसका मैक एड्रेस वही रहता है। अगर बाय डिफॉल्ट या कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से एनआईसी में कुछ प्रॉब्लम आती है मशीन की, एनआईसी ही आपको चेंज करनी पड़ती है जो कि रेयरली होता है, तो उस मशीन का मैक एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, बट इट इज अ रेयर सिनेरियो। तो फिजिकल एड्रेस बेसिकली मैक एड्रेस होता है, ये 6 बाइट एड्रेस होता है, एनआईसी का मतलब क्या, एनआईसी पे जो नंबर लिखा होता है वो होता है। और ये फिजिकल एड्रेस के लिए मैंने लिखा है चेंज फ्रॉम हॉप टू हॉप। अभी इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि फिजिकल एड्रेस हमारा हर हॉप पे चेंज होता है, मतलब क्या है इसका, इसको एक मैं आपको एग्जाम्पल से रिलेट करके बताऊंगी। नेक्स्ट वी कम टू लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस जो है वो यूनिवर्सल कम्युनिकेशन, मतलब एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क, किसी फार डिस्टेंट नेटवर्क पे अगर आपको कम्युनिकेट करना है, ये आपका विद इन द सेम नेटवर्क ही होता है,
ये आपका अगर आपने लैंड वगैरह में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, एक पास के नेटवर्क से, दो पास के कंप्यूटर या सेम नेटवर्क के कंप्यूटर अगर आप उसमें कम्युनिकेट करते हैं तभी इसका यूज होता है, ठीक है, मीटर्स विद इन द सेम नेटवर्क। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में उठ के गए तब लॉजिकल एड्रेस का यूज आता है जो कि यूनिवर्सली यूज होता है और ये 4 byte का है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लॉजिकल एड्रेसेस इन माय प्रीवियस वीडियो, यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक। तो लॉजिकल एड्रेसेस 4 bit के होते हैं, 32 bits के होते हैं, 4 byte के इंटरनेट यूज, इंटरनेट में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो लॉजिकल एड्रेसेस का यूज करके होता है और पूरे कम्युनिकेशन थ्रू आउट द कम्युनिकेशन इट रिमेन्स द सेम। बस एक बात होती है कि जैसे आप कनेक्ट करते हो डिवाइस से, तो सपोज अगर आपने आज नेटवर्क में कनेक्ट करा तो आपको कोई आईपी इश्यू हो जाएगी, उस आईपी का यूज करके आप पूरा अपना इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। आप सपोज आपने अपने फोन का इंटरनेट बंद कर दिया, आप फिर कल अगले दिन फिर से आपने फोन का इंटरनेट ऑन करा, तो अब जब आप करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो कल आईपी मिली थी वही आपको मिले। एवरी टाइम यू कनेक्ट और यू एंटर अ नेटवर्क यू गेट अ डिफरेंट आईपी। जो भी आईपी फ्री होती है वो आईपी आपको प्रोवाइड हो जाती है। आप कभी किसी पर्टिकुलर आईपी पे ही वर्क करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई थोड़ा सा कनेक्शन एस्टैब्लिश होने में टाइम भी लग जाता है, लेकिन वो कम होता है। पोर्ट एड्रेस, पोर्ट एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ अ प्रोसेस। अगर कम्युनिकेशन की बात आती है या कोई डेटा ट्रांसमिशन की बात आती है तो सॉफ्टवेयर लेवल की अगर हम बात करें, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन द लेयर्स, की ऊपर की 3 layers हमारी सॉफ्टवेयर की बात करती है, तो जहां हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं, तो कोई डेटा ट्रांसमिशन होगा किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में, जैसे कि FTP पे भेजेगा फाइल, या टेलनेट टू टेलनेट रिमोट लॉगिन हो रहा है, या फिर मेल ट्रांसफर हो रहा है SMTP के थ्रू। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ये हर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का एक डिफरेंट डिफरेंट नंबर होता है, इस नंबर को कहते हैं पोर्ट नंबर। देखिए डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेस एंड इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द कम्युनिकेशन। आप उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज करेंगे तो सेंडर और रिसीवर जब डेटा को भेजेगा तो पूरे कम्युनिकेशन में प्रोसेस का नंबर सेम रहेगा या पोर्ट नंबर सेम ही रहता है। एंड दिस इज द लास्ट, दैट इज द स्पेसिफिक एड्रेस। ये होते हैं हमारे जैसे URL हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या हो गया ईमेल एड्रेस। तो ये कुछ इस तरीके के एड्रेसेस हैं जिसको यूजर अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करता है। तो ये चारों एड्रेसेस मेरे ख्याल से शायद आपको समझ आए होंगे। कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे मैं चलती हूँ एक अपने एग्जाम्पल को, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। प्लीज मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए और मुझे मेरे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ अपने बोर्ड पे। एक सेंटर है ए और एक सेंटर है बी, दो लोग हैं। सपोज आप जैसे मैं हो गई सेंडर और आप जो रिसीव कर रहे हैं मेरा वीडियो आप हो गए बी, है ना। अब सेंडर ए के पास 3 processes है, ए बी सी, और रिसीवर के पास 2 processes है, जे और के। तो सपोज मेरा एक प्रोसेस ए जे वाले प्रोसेस को मैसेज ट्रांसमिट करना चाहता है, मतलब सपोज मेरा ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरा वीडियो, ये हम लोग कर रहे हैं रिमोट लॉगिन के थ्रू, आप लोग मुझे एक्सेस कर रहे हैं ना, तो एक हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं या एक पोर्ट यूज कर रहे हैं टेलनेट, तो दोनों ही एड्स पर टेलनेट का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप का, मतलब सेम टाइप का ही प्रोसेस यूज होता है, तो टेलनेट टू टेलनेट ही डेटा जाएगा। तो टेलनेट फ्रॉम ए, ये प्रोसेस जो है वो टेलनेट का होगा, तो टेलनेट फ्रॉम ए विल सेंड द डेटा फ्रॉम बी टू बी और जे प्रोसेस पे जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ब्यूटी ऑफ दी एड्रेसिंग, देखिए किस तरीके से मैसेज आपका ट्रांसमिट होता है, हाउ ब्यूटीफुली द नेटवर्क लेयर्स, ऑल द लेयर्स वर्क ऑन द मैसेज, कितने अच्छे तरीके से मैसेज को इनकैप्सुलेट करके वो ट्रांसमिट करती है कि जिससे कि मैसेज आपका राइट रेसिपिएंट तक पहुंच जाए। बीच में मैसेज के एरर होने के या मिस होने के चांसेस बहुत मिनिमल रह जाते हैं। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर सेंडर ए है हमारा, ए टू जे मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, तो ए टू जे के लिए पहले मैसेज क्रिएट हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर पे, वो एक मैसेज को क्रिएट करेगी। जैसे कि सपोज मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूं, तो एक मेरा वीडियो क्रिएशन हो रहा है, जब मैं उसको अपलोड करूंगी तो एप्लीकेशन लेयर का रोल आएगा, वो यूट्यूब के थ्रू मेरे इस मैसेज को या वीडियो को प्रेजेंटेबल करके आप लोगों तक सेंड नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैसेज बिकम्स अ सेगमेंट, मैसेज के पार्ट्स होते हैं, सेगमेंट में ब्रेक हो जाते हैं, सेंडिंग एंड पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रीअसेंबल हो जाते हैं, रेसिपिएंट एंड पे जो आपके सारे सेगमेंट्स हैं वो सारे कंबाइन होकर वापस से मैसेज बन जाता है। तो ये सारे सेगमेंट्स में ए और जे अपेंड हो जाएगा। ए और जे क्या है, पोर्ट नंबर।
ए एक इधर वाले प्रोसेस का पोर्ट नंबर है और जी आपके रिसीवर रिसीवेंट एंड का पोर्ट नंबर इसके साथ अपेंड हो गया। अब अगेन इट केम टू नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर इस सेगमेंट को ब्रेक करेगी पैकेट्स में और पैकेट्स के साथ लॉजिकल एड्रेसेस अपेंड हो जाएंगे थ्रू द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करेगी, आईपी एड्रेस ऐड कर देगी इसी मैसेज के साथ। ए और पी जो कैपिटल ए और कैपिटल पी है वो दोनों क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, तो ये लॉजिकल एड्रेसेस इसके साथ अपेंड हो जाएंगे। लॉजिकल एड्रेसेस और पोर्ट एड्रेसेस जो है ये ओवरऑल कम्युनिकेशन सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते, तो ये दोनों सेम ही रहेंगे, ए और जे और ए और पी। अगेन इट केम टू डेटा लिंक लेयर, नाउ द पैकेट्स ब्रेक टू फ्रेम्स, पैकेट आपके फ्रेम्स आपके नीचे आके फ्रेम में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि रिसिपिएंट एंड पे कंबाइन होके अगेन दे बिकम टू पैकेट्स। तो ये फ्रेम जो है इसमें मैसेज होगा, ये सारी चीजें होंगी, ये पूरा एज इट इज हो गया। इसके आगे इसके शुरू में और इसके लास्ट में एक हेडर और एक ट्रेलर ऐड हो जाएगा। तो ये हेडर और ट्रेलर जो होते हैं ये अपेंड के कॉल करते हैं डेटा लिंक लेयर लास्ट में, दोनों एंड्स पे करती है और डेटा लिंक लेयर में हॉप टू हॉप डिलीवरी होती है। ठीक है, तो एक नेटवर्क का पूरा कम्युनिकेशन जो चल रहा है तो एक पूरे नेटवर्क में काफी, जैसे हमारे ये ए से ये बी पे कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन हो सकता है कि इसके बीच में भी काफी सारे और चैनल्स हों जिसके थ्रू ये फाइनली पहुंच रहा होगा। तो पहले मैसेज यहाँ ए टू सी आएगा, तो ए और सी का जो लिंक है उसका हेडर और ट्रेलर अपेंड होगा, उसके बाद सी और डी का होगा, उसके बाद डी और बी का। ये हर हॉप पे हर लिंक पे जो है हेडर और ट्रेलर चेंज होते रहते हैं। उसके बाद फाइनली रिसीवर एंड पे आते हैं, रिसीवर नेटवर्क में आते हैं। तो रिसीवर नेटवर्क में जो भी हेडर और ट्रेलर लगा हुआ है जो कि लास्ट लिंक का लगा हुआ है, जैसे बी पे आया तो इधर वाले लिंक का ये होगा, ये हट जाएगा, ये दोनों हटेंगे, हटने के बाद इतना जो मैसेज बचा ये ऊपर जाएगा नेटवर्क लेयर में। तो नेटवर्क लेयर अपने लॉजिकल एड्रेसेस को रीड करेगी और उसको रिमूव कर देगी। ठीक है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर जो है वो अपने ही नेटवर्क के जो एड्रेसेस है उन्हीं को रिमूव करती है, किसी दूसरे लेयर ने जो एड्रेसेस लगाए उनको रिमूव नहीं करती है। ये बहुत अच्छी बात है कि नेटवर्क लेयर विल वर्क ओनली ऑन दी लॉजिकल एड्रेस, ट्रांसपोर्ट लेयर विल वर्क ओनली ऑन दी पोर्ट एड्रेस एंड डेटा लिंक लेयर विल वर्क ओनली ऑन दी लिंक एड्रेस या फिर मैक एड्रेस। ठीक है, तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम है। तो नेटवर्क लेयर विल ओनली रिमूव दी लॉजिकल एड्रेसेस, उनको स्ट्राइप ऑफ करके पैकेट्स को कंबाइन करके एज अ सेगमेंट वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेंड करेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर विल फाइंड आउट कि राइट पोर्ट्स के एड्रेसेस हमें मिल गए, तो वो उनको स्ट्राइप ऑफ कर देगी एंड फाइनली द ओरिजिनल मैसेज विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। तो इस तरीके से मैसेज का ट्रांसमिशन होता है एंड इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ऑल दिस, कितना अच्छे तरीके से मैसेज स्टेप बाय स्टेप होके जाता है। इसीलिए शायद ओएसआई और टीसीपी ने भी लेयर्स के थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन की बात करी है, क्योंकि हर लेयर पे एक डिफरेंट टाइप का एड्रेस भी मैसेज के साथ लग रहा है। हर लेयर पे मैसेज में कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है, जैसे कि मैसेज हमारा एक एंड से काफी डिस्टेंट एंड पे इजिली एफिशिएंटली एक्यूरेटली रिसीव हो जाए। तो आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो, अगर कोई डाउट या क्वेरी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो मेरे वीडियो में काफी सारी चीजें मैंने बताई हैं उनको आप देखिए, एक बार मेरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज दोबारा देखिएगा, और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और मेरे इससे जुड़े हुए काफी सारी चीजें जो है मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उनको भी आप देखिएगा, चेकआउट करिएगा। चलिए, जब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।